नारायण बी नारायण सारत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिक्र शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस नारायण तकबीर नारायण रिसालत। ये शजर तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये चांद तारे तेरा इहतराम करते हैं, जमीन का फर्श मौला है तेरा गुंबदे सब, तेरी गली में फरिश्ते कयाम करते हैं। तो फिर मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन से एक शायर कहता है, गुजर रहे हैं सितारों के शहर से सरकार, गुजर रहे हैं सितारों के शहर से सरकार, कदम कदम पे फरिश्ते सलाम करते हैं, गुजर रहे हैं सितारों के शहर से सरकार, कदम कदम पे फरिश्ते सलाम करते हैं। तो जब पड़ोसी मुल्क की सरजमी से मुजफ्फर वारसी ये कहता है, बख्ते सियाह को जबी आली पे रख दिया, सूरज ने अपना दस्त सवाली पे रख दिया, मैंने तो मांगे थे सिर्फ डाली के चंद फूल, सारा चमन दुआओं के थाली में रख दिया, सिर्फ डाली के चंद फूल, सारा चमन दुआओं के थाली में रख दिया। तो फिर मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी से असीर बुरहानपुरी कहता है, सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब, सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब, थोड़ा सा अपने जान के थाली में रख दिया, मैंने तो मांगे थे सिर्फ डाली के चंद फूल, सारा चमन दुआओं के थाली में रख दिया। तो फिर मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी से असीर बुरहानपुरी कहता है, सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब, सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब, थोड़ा सा अपने जान के थाली में रख दिया, अपने जान के थाली में रख दिया। तो जब पड़ोसी मुल्क की सरजमी से एक अंधा शायर, एक नाबीना शायर इकबाल अजीम ये कहता है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, इसी में खूबसूरत शेर लिखता है, किसी के हाथ में बढ़कर सहारा दे दिया वरना, किसी के हाथ में बढ़कर सहारा दे दिया वरना, कहां मैं और कहां वो रास्ता पेचीदा पेचीदा, कहां मैं और कहां वो रास्ता पेचीदा पेचीदा। तो फिर मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी से एक शायर कहता है, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया या रसूल अल्लाह, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। माशाल्लाह आज का ये अजीम शान माहौल, फिक्र और शऊर की ये अजीम शान वादियां, ज़ुल्फ़शाने इल्म और अदब का एक अजीम शान काफला इस वक्त मिंबरे नूर पे जलवा हो चुका है, और आपने ऐलानात के जरिए इश्तहारात के जरिए जिन शख्सियात का नाम आपने सुना है पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन मुकद्दस व मुहतरम बुजुर्गों की आवाजों को आप सुनने के लिए जब जा हुए हैं, याद रखिए ये तमाम के तमाम मुकद्दस चेहरे और मुकद्दस जलवे बहुत ही जल्द मिंबरे नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। तो काविश के नताइज आज इस वक्त मिंबरे नूर पे चमकते हुए चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, और आने वाले तमाम तर खुतबा व शौरा तमाम तर इल्म व अदब के वो बेशुमार कोहिनूर इल्म व अदब के कई अजीम शान हिमालय बहुत ही जल्द मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। इसलिए कि ये जो नियामत है इश्क रसूल की, ये जो नियामत है इश्क अहले बैत, ये जो दौलत है इश्क रसूल की हर शख्स के हिस्से में नहीं आती, ये जो नियामत है इश्क रसूल की, ये जो नियामत है इश्क अहले बैत की, हजरत सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई, अबू जहल के हिस्से में नहीं आई। उलमाए इकराम की खास तवज्जो की तरफ तेजी के साथ समाप्त कर लें कि ये नियामत हजरत सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई, अबू जहल के हिस्से में नहीं आई, ये नियामत हजरत फारूक आजम के हिस्से में आई, अबू लहब के हिस्से में नहीं आई, ये नियामत हजरत इकरमा के हिस्से में आई और उनके बाप के हिस्से में नहीं आई, ये नियामत हजरत खालिद बिन वलीद के हिस्से में आई और उनके बाप वलीद बिन मुगीरा के हिस्से में नहीं आई, और आसान कर दूं, ये नियामत हजरत लूत अलैहिस्सलाम सलाम के हिस्से में आई और उनकी बीवी के हिस्से में नहीं आई, और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, ये नियामत हजरत सात बिन अबी वक्कास के हिस्से में आई और उनके बेटे अमर बिन सात, आसान कर दूं, ये नेमत हजरत अमीर मुआविया के हिस्से में आई और उनके बेटे यजीद के हिस्से में नहीं आई, और आसान कर दूं, ये नेमत जोगी जयपाल के हिस्से में आई, पृथ्वीराज के हिस्से में नहीं आई, और आखिरी कड़ी अगर ये ना समझे तो आपका बैठना यहाँ बेकार हो सकता है, इसलिए कि जिस जज्बे के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस जवानी के साथ यहाँ आशिकाने अहले बैत और आशिकाने रसूल जिक्र शहदाए करबला को सजाए हैं, ये जो दौलत है ईमान की, ये जो दौलत है इश्क रसूल की, ये जो दौलत है इश्क अहले बैत की, हम जैसे गुलामों के हिस्से में आई, भारत के वजीर आजम के हिस्से में नहीं आई।
ये जो नियामत है इश्के रसूल की हम जैसे गुलामों के हिस्से में आई, भारत के वजीर आजम के हिस्से में नहीं आई। आइए हजरात, ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त तो नहीं रहा, इसलिए कि बेशुमार नुकबा से आप सरे शाम से लेकर समाहत कर रहे थे, नाथाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मद्दहाने मुस्तफा से बेशुमार नात मनकबत के अशआर समाहत कर रहे थे। अब आइए हजरात, जिन मेहमान शायर और जिन मेहमान खतीब को सुनने के लिए आप गज्जा हुए हैं, बैठे हैं, अब वो दौर शुरू हो चुका है। अब तेजी के साथ मेहमान शायर को आपके हवाले कर दूं। मैं बंदे आसी हूं, खताकार हूं मौला तेरी रहमत का